नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में और आपको बताने वाले हैं लॉकडाउन को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे हर एक राज्य की गाइडलाइन के बारे में। हर एक गाइडलाइन आपको पॉइंट वाइज समझाई जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लॉकडाउन को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बारे में। तो आपको बता दें, राजस्थान की सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस नई गाइडलाइन के अनुसार 2 जून से कई प्रकार की छूट दी गई है। अब कौन कौन सी छूट है जो कि 2 जून से आपको मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2 जून से लेकर 8 जून तक क्या क्या बंद रहेगा। 8 जून इसलिए क्योंकि सरकार ने जो पहले आदेश दिया था उसमें 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया था। इसमें आपको बता दें, शादी समारोह फिलहाल बंद ही रहेंगे, यानी किसी भी तरह की शादी पार्टी नहीं हो सकती है। शादी घर या कोर्ट में 11 लोगों की मौजूदगी में हो सकती है, इसके लिए भी पहले से सूचना देनी होगी। शादी समारोह में कोई भी बैंड बाजा, हलवाई, टेंट या कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। शादी के समारोह से जुड़े किसी भी सामान की होम डिलीवरी नहीं हो सकती है। मैरिज गार्डन, होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक समारोह, जुलूस, मेला और हाट बाजार बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। फुल एसी वाले शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बस 10 जून तक बंद रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें खोल दी गई है। तो अभी सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ सुबह 9:30 से लेकर शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। 7 जून के बाद इसकी क्षमता 50% कर दी जाएगी। प्रदेश के सभी प्राइवेट ऑफिस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 25% लोगों के साथ खोले जा सकते हैं और ये दोपहर के 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी हॉस्पिटल, लैब खुलेंगे। इनके कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ कर्फ्यू के दौरान भी आने जाने की इजाजत होगी। एक जिले से दूसरे जिले में अपने निजी वाहनों से लोग सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही आ जा सकते हैं। रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री टिकट दिखाकर कर्फ्यू के दौरान आ जा सकते हैं। इमरजेंसी के लिए कैब और टैक्सी को इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक अखबार वितरण हो सकता है। इंटरनेट, दूरसंचार, डाक सेवाएं, कोरियर, केबल और आईटी से संबंधित सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। ई कॉमर्स की डिलीवरी जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस खुले रहेंगे। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। इस प्रकार की इजाजत जो कि आपको दी गई है, हमने आपको गाइडलाइन बता दी है। गाइडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। राजस्थान की गाइडलाइन है जो कि 8 जून तक जारी की गई है। 8 जून के बाद हो सकता है एक नई गाइडलाइन हमारे सामने पेश की जाए। इस प्रकार से राजस्थान की हमने बात कर ली है। अगले राज्य की बात करते हैं। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज 1 जून से ही कई जिलों में छूट प्रदान कर दी है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो 61 जिलों में ये छूट प्रदान की गई है। और अभी तक जो 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों के अंदर अभी ढील नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की हमने बात करी, उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में ढील दे दी गई है। बाकी जिलों में जहां पर 600 से अधिक नए या फिर कह सकते हैं कोरोना के एक्टिव केस है, वहां पर छूट नहीं दी गई है। बाकी सभी जिलों में छूट दे दी गई है। अगर बात करें गाइडलाइन की, तो आपको बता दें शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। निषेध क्षेत्र के बाहर 1 जून से सुबह 7 बजे तक शाम 7 बजे तक गतिविधियां संचालित होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी या फिर कह सकते हैं कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं जो साप्ताहिक बंदी है, इस दौरान प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा।
दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी मास्क की अनिवार्यता से 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी जारी रहेगा। कहां कहां पर यानी कि किस किस जिले में लॉकडाउन जारी है तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लॉकडाउन जारी रहने वाला है। इनके अलावा भी कई जिलों में लॉकडाउन जारी रह सकता है, जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस होंगे वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया है। इस प्रकार से हमने बात करी है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। अगर आप बिहार का और महाराष्ट्र का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और कल का ही वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आप किसी अन्य राज्य से वीडियो देख रहे हैं तब भी हम आपको यही कहेंगे चैनल पर जाइए, क्योंकि हमने हर एक राज्य की बात अब तक करके रखी है। वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करिएगा और अपना राज्य कमेंट बॉक्स में उससे बताइएगा, उसकी गाइडलाइन भी हम आपको बता देंगे या फिर लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप पूरी गाइडलाइन देख सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो एक बार फिर से कहेंगे लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन डे के साथ। धन्यवाद।